प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कैलाश मानसरोवर का 7वां एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुआ। पिछले एपिसोड में हम नवीडांग पहुंचे थे। नवीडांग जहां हर पल ओम पर्वत का चमत्कारिक रूप व अलौकिक रूप हमारे सामने प्रस्तुत रहता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक तरंगें इस स्थान पर उपलब्ध हैं। यहीं पर हमारा ध्यान उत्तर पूर्व की ओर गया, जहां एक पैदल मार्ग ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। कल इसी मार्ग पर चलते हुए हमें लिपुलेख पास पहुंचना होगा। कल इसे देख पाए या ना देख पाए, इसलिए उस मार्ग का मन ही मन हम लोग विचार कर रहे थे। हमें बता दिया गया था कि कल हमें बहुत सुबह 3 बजे के आसपास चलना होगा अपनी आगे की यात्रा के लिए। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नवीडांग एक तरह से हिंदुस्तान में अंतिम कैंप है। नवीडांग से चलते हुए हमें लिपुलेख पास पहुँचना होगा, जो 16,500 फुट की ऊंचाई पर है। और लिपुलेख के उस पार तिब्बत है, जहाँ चाइनीज अथॉरिटीज के अधिकार क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा उनकी गाइडेंस होगी। शाम का खाना जल्दी ही पूरा कर लिया गया था, क्योंकि सुबह बहुत बहुत जल्दी चलना होगा। पहले से ही दिशा निर्देश थे कि हैवी बुलेंस तैयार रखिए अपने पास, ताकि सुबह समय ना लगे। 2 बजे हमें चाय मिल चुकी थी, नाश्ता मिल चुका था और हम चल दिए थे 3 बजे लिपुलेख पास की ओर। आईटीबीपी जवानों के संरक्षण में आगे बढ़ रहे थे। शुरू शुरू में हमें हमारा मार्ग जो है वो उत्तर की ओर चल रहा था। चांदनी रात थी। कष्टदायक स्थिति यह थी कि उत्तर की ओर बढ़ते हुए चंद्रमा हमारे बिल्कुल पीछे आ गया था और हमारी छाया मार्ग पर पड़ रही थी, और मार्ग में पत्थर हैं या रास्ता कैसा है उसका भान अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा था, इसलिए परेशानी थी। और एक और कष्टदायक बात यह थी कि समचिंग नाला बहुत दूर नहीं था, उसका पानी हमारे इस मार्ग पर आ गया। कुछ एक सदस्यों के पैरों में ठंडी, वो जो पानी लगने से ठंडे पड़ते हैं, वो पड़ चुके थे क्योंकि जूतों में पानी घुस गया था। खैर, धीरे धीरे सभी आगे बढ़ रहे थे। स्लोप कठिन था और उस कठिनाई को देखते हुए, क्योंकि घोड़े भी पास ही थे सबके, ज्यादातर सदस्य लिपुलेख पास पहुंचने से पहले पहले घुड़सवारी सीख चुके थे। 2-3 सदस्य ही रह गए थे जिन्होंने घुड़सवारी का आनंद नहीं चखा था। हमारे आईटीबीपी के जो कमांडर मिस्टर गुरुंग थे, उनके पास वॉकी टॉकी थी और उस वॉकी टॉकी के माध्यम से वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बातचीत कर रहे थे। व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि एक दल भारत की ओर से, जिसे तिब्बत में जाना है, वो लिपुलेख पास पहुंचता, और एक यात्रा दल जो तिब्बत से अपनी यात्रा पूरी करके भारत की ओर आता, वह भी लिपुलेख पास पर मिलता।
5 बजे के आसपास हल्का प्रकाश उभर आया था। लेफ्ट साइड में पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, गंजी, कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं, झाड़ियाँ नहीं। और राइट साइड में जब ध्यान थोड़ा सा नीचे गया, लिपुलेख गार्ड जो है एक पतली सी धारा के रूप में दिखाई दी। शायद उसका जो उद्गम स्रोत है, जहाँ से वो निकलती है, वो बहुत पास रहा होगा। हमें 5 बजे के आसपास कुछ देर के लिए रुकना भी पड़ा, क्योंकि उधर से आने वाला जो दल है शायद वह लेट हो रहा था। लेकिन परेशानी थी, 7 बजे के आसपास हम लोग लिपुलेख पास पर खड़े हैं। तिब्बत से आने वाला दल जो है वह भी पहुंच गया है। यहां सामान का आदान प्रदान होगा। लिपुलेख पास पर ही ITBP अथॉरिटीज और चाइनीज जो काउंटर पार्ट्स हैं उनकी अथॉरिटीज आपस में विचार विनिमय कर रही हैं, हिसाब किताब कर रही हैं, लोगों का आदान प्रदान होगा। अद्भुत दृश्य था लिपुलेख पास पर। जब कैलाश यात्रा पूरी करके इधर आया हुआ दल और इधर से आगे जाने वाला दल आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, जान रहे हैं कि आगे की यात्रा कैसी है, और शिव के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भारत माता की जय, इस प्रकार के नारे चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं। और एक दूसरे से मिलते हुए सदस्य जो है उनकी बातचीत भी शुरू हो गई है। आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, टेलीफोन आदि भी आदान प्रदान होते हैं। और ये भी एक दूसरे से कहा जाता है कि हमारे घर में बता दीजिएगा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, स्वस्थ हैं। अब बदला हुआ प्रदेश है, यद्यपि तिब्बत में भी पहाड़ वैसे दिखाई देते हैं, वैसी नदियाँ हैं निकलती हुई, लेकिन परिवेश में एक सहज अंतर है जो हमारे मन के ऊपर एक प्रभाव डाल रहा है। इधर भारत की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू नहीं है, इधर वो तिब्बत का क्षेत्र है जिस पर चाइना का अधिकार है। चाइना ने अपनी कच्ची रोड जो है वह लिपुलेख पास तक बनाई है। कुछ वर्षों में हो सकता है कि वहां तक चाइना की जो बस है आने जाना शुरू कर दे। हमें बता गया कि बस नीचे 3-4 किलोमीटर नीचे खड़ी है, जिसमें आपका सामान आदि जो है वो जाएगा और आप वहां तक पहुंचिए। एक ज़िगज़ैग वे में वो रोड है, बीच में से शॉर्टकट एक सीधा उतरता हुआ। रास्ते में घोड़े वाले मिले जो हमसे कुछ ना कुछ कहते, अभिवादन भी करते, हंसते भी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। खैर, उन्हें इग्नोर करते हुए हम सीधे नीचे ही नीचे उतरते चले गए। 3-4 किलोमीटर नीचे उतरने पर छुमिक गुरदम नामक एक पहाड़ी नदी जो है वो उसने रास्ता काटा। उसकी दूसरी तरफ बस भी खड़ी थी, ट्रक भी खड़ा है। पहुंचे, बस बाहर से अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही अंदर बैठने की कोशिश की, गाड़ी के पिछले 5-6 सीटें बिल्कुल तहस नहस, टूटी फूटी पड़ी है, हालत खस्ता है। तभी ध्यान आया, स्टेट ट्रांसपोर्ट है ना, इसलिए, क्योंकि भारत में भी तो यही होता है, सरकारी गाड़ियों की कौन प्रवाह करता है। अब हमारी यात्रा इसी नदी के कभी लेफ्ट कभी राइट आते हुए नीचे ही नीचे उतरती चली गई, जब तक करनाली नदी नहीं आ जाती। करनाली नदी के उस पार तकलाकोट है, जहां हमें एक आध दिन के लिए रुकना है, जहां पर चाइनीज अथॉरिटीज हमें मिलेंगी, वीजा आदि चेक होगा, करेंसी बदली जाएगी, यदि किसी चीज की जरूरत है तो यहीं पर खरीदेंगे और फिर चल देंगे अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा की ओर।
बस कच्ची कच्ची सड़क है, बस नीचे उतरती चली जा रही है उस कच्ची सड़क में से। तभी दो गांव जो हैं बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, मुगुरुंग और कंगरेला। कुछ एक बच्चे जो हैं अभिवादन करते हुए, शायद उन्हें पता होगा अपने परिवार से कि यहाँ कैलाश यात्री आते हैं। उन गांव के बाद कर्णाली नदी के ऊपर एक पुल है, पुल के उस पार तकलाकोट है, जहाँ हमें फुकन गेस्ट हाउस में ले जाया गया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, पुरांग डिस्ट्रिक्ट का तकलाकोट एक शहर है, और तकलाकोट में मार्केट भी है, लोकल मार्केट भी है, नेपाली मार्केट भी है, और इंडियंस के की भी एक छोटी सी मार्केट है। और जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर आपको चीज़ें ठीक ठाक मिल जाती हैं, लेकिन जो वैसे स्थानीय मार्केट है उसमें यदि आप मोल भाव करना नहीं जानते हैं तो आपकी पॉकेट पूरी तरह से खाली हो सकती है। ये ध्यान रखें, यदि आप तकलाकोट में कुछ भी खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किसी भी चीज़ का 4-5 गुना मूल्य बढ़ा करके आपको बताया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो अच्छी भी लगती है बुरी भी लगती है, लगभग दुकानों पर महिलाएं ही जो है वो कार्य संभाले हुए हैं, और ज्यादातर दुकानों के ऊपर वहां की जो बियर है वही मिलती है। और आपको आश्चर्य होगा, बॉटल का जो डिस्टिल्ड वाटर है या पीने वाला पानी है वो महंगा है उस बियर की बॉटल से। एक और चीज जो देखने वाली है, तकलाकोट के ऊंचाई पर उत्तर पूर्व की ओर कुछ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आर्मी के कुछ एक लोग हैं हर पल रहते हुए, और तकलाकोट के हर कोने पर नजर रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। फुकन गेस्ट हाउस में हमें ले जाया गया। जैसे ही वो मुख्य द्वार से सामने एंटर किए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहीं बैठे हैं, चाय पिलाई गई, स्थानीय चाय अच्छी लगी। जो कस्टम अधिकारी हैं वो आ गए हैं, उन्होंने वीज़ा आदि देखा है, और हमारी हर चीज़ को अच्छी तरह से वो देखते हैं, परखते हैं, किताबों को भी, क्योंकि कहीं भी ध्यान रखिएगा आपके पास ऐसा कोई लिटरेचर कोई चित्र नहीं होना चाहिए जिसे वो पसंद नहीं करते हैं। यद्यपि स्थानीय लोग जो हैं तिब्बतन लोग वो आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें दलाई लामा का चित्र या कुछ इस तरह की चीज़ दे दी जाए, ये आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो उन चीनी कस्टम अधिकारियों के अधिकार में यदि ऐसी कोई वस्तु आती है तो आपको वापस भेजा जा सकता है, आपके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं। तकलाकोट कर्णाली नदी के किनारे है जैसे मैंने आपको बताया, और यदि आप कर्णाली नदी के लगभग तकलाकोट के नॉर्थ साइड में आ जाते हैं, एक पुल के माध्यम से दूसरी ओर आप जाते हो, वहाँ नेपाली मार्केट भी है, स्थानीय मार्केट भी है। मुझे और स्वामी आनंद भैरवगिरी जो दत्तात्रेय आश्रम खड़गपुर के सर्वे सर्वा हैं, हम दोनों की आपस में जो बातचीत हुई, हमारे लिए मार्केट में कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं था। उसकी पृष्ठभूमि में पश्चिम की ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, किले समान दीवारें हैं, वह शिवलिंग मॉनेस्ट्री, कभी एक शिवलिंग गुंफा रही है। हमारे लिए वह आकर्षित स्थान था कि क्यों ना वहां चला जाए और देखा जाए कि क्या है। हम कर्णाली नदी पर बने पुल के राइट साइड में चल दिए, सामने जो रास्ता जा रहा है एक पहाड़ी सी है, उसमें छोटी छोटी गुफाएं सी हैं, उनमें स्थानीय लोग हैं, इनडायरेक्टली ड्वेलिंग केव्स जहां लोग रहते हैं, उसी के पास से ही एक रास्ता जो है पश्चिम की ओर ऊपर ही ऊपर उठता हुआ पथरीला मार्ग है, चलना कठिन है, तेज धूप है। हम धीरे धीरे चलते चलते लगभग आधा घंटा लिया है हमने, कुछ सामने बड़ी बड़ी दीवारें आ गई हैं, घुस दिए अंदर, तरह तरह के कक्ष बने हैं, भग्नावशेष है, टूटा फूटा खंडहर है सारे के सारे, ये ध्यान रखिएगा। और एक स्टोरी, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, बिल्कुल
चौथी मंजिल तक पहुंच गए हैं। लास्ट मंजिल जो है वहां की दीवारों पर बिल्कुल फेडेड सी कुछ एक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं। वहीं पर पत्थरों का बना हुआ एक शिवलिंग सा भी है, ऐसा लगा। प्रश्न उठा, ये शिवलिंग गुंफा कहीं इसका संबंध शिवलिंग से तो नहीं? ये आप कल्पना कीजिए, इतनी विशाल मोनेस्ट्री अपने समय की रही होगी कि इसको लासा के बाद इसे स्थान मिलता था। कोई समय रहा होगा जब ये मोनेस्ट्री भारतीय यात्रियों जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए आए उनको मार्ग प्रशस्त करती रही होगी। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था यहां। अब टूटा फूटा उसका जो वजूद है वो आपको परेशान भी करता है, परंतु क्या कर सकते हैं। चाइना ने जब अधिकार किया था तिब्बत के ऊपर, पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था इसे। हमें अब तकलाकोट से कैलाश की ओर जाना है, जहाँ से कैलाश की यात्रा शुरू होगी, मानसरोवर की यात्रा शुरू होगी। प्रातःकाल के समय हमें चलना था। मैं यहाँ भी ये भी बता दूँ, फुकन गेस्ट हाउस के सामने ही कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके लेफ्ट साइड में भी एक टर्निंग है, राइट साइड में भी टर्निंग है, 40-50 फुट का रास्ता है, जिनके किनारे कमरे बने हैं जिसमें यात्री भी ठहरते हैं और यहाँ के अधिकारी लोग भी ठहरते हैं। और उसके पीछे जो है डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल में भी मुख्य रूप से स्त्रियाँ महिलाएँ काम करती हुई मुस्कुराते हुए खिलाती हैं, गीत भी गाती हैं। खाना पीना हमारी इच्छानुरूप तो ना था, लेकिन बुरा नहीं था, क्योंकि टेंड स्टफ, टेंड फ्रूट डिब्बे धराधड़ वो हमारे सामने रखते हैं, जो चावल आदि हैं स्पॉन्जी से लगते हैं, पर ऐसा ऐसा नहीं है कि वो देखभाल नहीं करते, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। फुकन गेस्ट हाउस से तगलाकोट से हमें अर्ली मॉर्निंग चलना था। अभी लगभग 10-15 मिनट ही हम लोग बस में चल पाए थे, तगलाकोट के बाहर आए। कच्चा रास्ता है, पथरीला रास्ता है, टोए नामक गांव आ गया है, जहां पर जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह की समाधि है, सिंह बा का चोटन, चोटन यहां एक तरह से स्मारक है। जनरल जोरावर सिंह कश्मीर के शासक गुलाब सिंह के जनरल है। 1840 में वे लद्दाख विजय करके तिब्बत की ओर आए थे। 1841 के आसपास उन्होंने स्थान को विजित किया था, स्थानीय जो महिला है उससे विवाह भी किया था, सुखपूर्वक रह रहे थे, लेकिन एक बार जो स्थानीय लोगों के धोखे में वो फंस गए थे और उनका वध कर दिया था। लेकिन ये समाधि स्थल जो सिंहबा का चोटन है, एक तरह से याद दिलाता है जोरावर सिंह की कि कितने बहादुर थे वे, उस एग्जाम्पल को वो अपने सामने रखते हैं। ये लगभग 13,000-13,500 तकलाकोट है की ऊंचाई पर, थोड़ा सा ऊपर और है, और जोरावर सिंह की समाधि से आरा पास तक तीखी चढ़ाई है, फर्स्ट गियर में गाड़ी चढ़ रही है। 10-15 मिनट उसके बाद एक पैरेलल सा रास्ता मिलता है और एक लंबा चौड़ा नदी का पाठ गुरला नदी है, पथरीली रास्ते हैं, एक कोने में पानी है, और गुरला नदी का जो उद्गम है गुरला मंधाता पीक्स के बेस से निकल करके वो आ रही है। गुरला मंधाता के बाद 10-15 मिनट की ही बस यात्रा रही होगी, गुरला पास आ गया है। बाहर आए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए उस पास को ताकि आगे की यात्रा सुखद रहे, और चित्रादि भी खिंचवाए। बस पुनः चल दी, पुनः 10-15 मिनट के बाद एक विशाल झील है, डार्क ब्लू कलर का पानी है। हमें बताया गया ये राक्षस ताल है, रावण हृदय भी कहते हैं। रावण ने जो शिव के भक्त थे, यहीं इसी क्षेत्र में शिव पूजा की थी, शिव को, शिव के इस कैलाश को वो अपने लंका ले जाना चाहते थे,
जो देवता लोग नहीं चाहते थे और किसी कारणवश वो नहीं ले जा पाए। और ऐसा लगता है इन छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर कैलाश पर्वत को पेस्ट कर दिया गया है। और उधर जितनी भी छोटी मोटी पहाड़ी नदियां हैं सबका पानी जो है राक्षस ताल की ओर आ रहा है। यहां तक कि मानसरोवर का भी एक आउटलेट इसी राक्षस ताल में मिल रहा है। और राक्षस ताल की यदि आप परिक्रमा करना चाहें तो कम से कम नहीं तो 100-125 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा है। और जो राक्षस ताल का पश्चिमी कोना है वहां से सतलुज नदी निकलती है जो भारत को सींचती हुई आगे बढ़ती है। हमें बताया गया राक्षस ताल का पानी जो है उसे ग्रहण नहीं करना है, इसे अशुद्ध मानते हैं। यद्यपि स्वामी अनंत भैरव गिरी साहब इस बात को नहीं मानते, उन्होंने जल का आचमन भी किया और पुनः गाड़ी चल दी उसकी। उसे गाड़ी में कुछ ना कुछ जो है परेशानी भी आई और आगे बढ़ गए। आज हमें जैदी तक अभी पहुंचना था। जैदी एक तरह से मानसरोवर का पश्चिमी कोना है और उसी के पास कुछ एक बैरिक्स हैं जहां पर एक अन्य यात्री दल खड़ा इंतजार कर रहा था। यात्री दल से मिले, बातचीत हुई, उन्होंने चाय भी पिलाई, आगे के बारे में भी बताया कि किस तरह से इस पूरी यात्रा को आगे का पूरा करना है। और हमारे सभी के सभी यात्री जो है वह मानसरोवर की ओर भागे जो जिसका किनारा केवल 100-150 मीटर दूर था। आचमन करने लगे, अद्भुत वह एक दृश्य था, अद्भुत एक भाव था। आज यहीं तक, फिर आऊंगा आपके साथ पुनः यात्रा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।